सारे ऑपोजिशन पार्टी की तरफ से ये मांग रखी गई थी कि हमें महंगाई पे, हमें हिंदुस्तान की जीएसटी के चलते आम लोगों की जो आर्थिक हालात जर्जर होते जा रहे हैं, इस मुद्दे को साथ साथ अग्निपथ जैसे मुद्दे जो हमारे हिंदुस्तान की नौजवानों की भविष्य के लिए जुड़े हुए हैं, और ईडी और सीबीआई की दुरुपयोग जिस धड़ल्ले से हो रहे हैं सर हिंदुस्तान में, लगता है हिंदुस्तान के सरकार ने विपक्ष मुक्त हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, लेकिन लोकतंत्र खत्म हो जाएगी अगर विपक्ष मुक्त हिंदुस्तान बनेगी। इसलिए हम विपक्ष मुक्त हिंदुस्तान कभी नहीं बनने देंगे, चाहे मोदी जी और अमित शाह जी जितना इससे ख्वाहिश रखें, फिर भी हमारी ये आंदोलन जारी है। सदन के अंदर ये सरकार की तरफ से ये बार बार कहे जा रहे हैं और एक एक दिन एक एक बयान पेश किया जा रहे हैं। कभी ये कहते हैं कि निर्मला सीतारमण जी की तबीयत ठीक नहीं, चर्चा बाद में होगी। कभी कहते हैं निर्मला सीतारमण जी ठीक हो गई, अभी चर्चा होने वाला है। शुरू के दिन से हमें हमारे स्पीकर साहब को, लोकसभा राज्यसभा में हमारे चेयरमैन साहब को, सबको हम लोग हमारी तरफ से पेशकश की थी कि एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया जाए और हमारे जो मुद्दा है ये मुद्दे को सामने रखकर, क्योंकि रोजाना हम एडजर्नमेंट मोशन देते हैं, कभी महंगाई पे, कभी अग्निपथ पे, कभी ईडी सीबीआई की दुरुपयोग किए जा रहे हैं इसके खिलाफ, कभी जीएसटी के खिलाफ, हम लोग हर रोज चर्चा के लिए सदन में एडजर्नमेंट मोशन डालते हैं। लेकिन ये फैसला तब होगी जब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाएगी, जहां सत्ता पक्ष रहे विपक्ष रहे, लेकिन ये सरकार कुछ मानते नहीं। दूसरी तरफ ये क्या करते हैं, अपना तानाशाही की बदौलत हमारे एमपी को निलंबित कर रहे हैं। मान लीजिए हमारे एमपी वो यहाँ किस लिए आए हैं, यहाँ कोई पिकनिक मनाने के लिए नहीं आए। सरकार की जो मंत्रियों है, मंत्रियों को दफ्तर है अपना अपना, हुआ वो जा सकते कुछ काम कर सकते, लेकिन हम जैसे एमपी विपक्ष के जितने सारे एमपी हम यहाँ आते हैं सिर्फ आम लोगों की नुमाइंदे की हसियत से, आम लोगों की बात रखने के लिए, वो भी मौका नहीं दिया जाते हैं। फिर अब जब ये मांग करते हैं तो हमें निलंबित किया जाते हैं, तो हम कहाँ जाए? सदन के अंदर अगर बात ना हो पाए तो हम कोई पार्क में जाए क्या? हम इसलिए राष्ट्रपति जी से भी हम समय मांगी है कि हमारे सारे बात राष्ट्रपति जी के सामने हम रखेंगे, लेकिन ये सरकार विपक्ष की कोई बात सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। राज्यसभा में 19 और लोकसभा में 4, कुल मिलाकर 23 सांसदों को जिस तरीके से निलंबित किए गए हैं, ये हिंदुस्तान की आजादी की बात, जो हिंदुस्तान की इतिहास में अमृतकाल की सबसे श्रेष्ठ उपहार मोदी जी ने दिए हैं कि हम पार्लियामेंट मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। इसलिए इस अमृतकाल में 23 और 2 बढ़ा देते तो अच्छा बन जाते, 25-25 हो जाते, तो वन मोर आज भी 1 हो गया तो 24 हो गए, और 1 बढ़ाना जरूरी है तो अमृतकाल पूरा हो जाए। 23 का आंकड़ा ठीक नहीं समझते और 1 को किए, बस 24 हम चाहते हैं कि 25 बने, अमृतकाल भी पूरा हो जाए, मोदी जी की सपना भी पूरा हो जाए, सदन को ठप कर दे, सदन को उठा दे, विपक्ष को मुक्त हिंदुस्तान बना दे। लेकिन हम जी जान जब तक हमारे लहू है, जब तक हमारे पसीना बहते रहेंगे, हम लड़ाई ये तानाशाही के खिलाफ करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे।